हेलो हेलो गाइस, गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम मोहम्मद नाउ हुसैन। वर्सेस टू गाइस पाकिस्तानी मीडिया शॉक टू सी शुभमन गिल हिट 129 रन ऑन 60 बॉल्स। मतलब पाकिस्तानी मीडिया शॉक हो गई है, फैन बन गई है शुभमन गिल की कि ये क्या बंदा है, क्योंकि उसने कल 60 बॉलों पे 129 रन मारे हैं। मेरे हाँ, ख्याल में 200 से भी ज्यादा स्ट्राइक रेट से खेला है और तबाही डिस्ट्रक्टिव तबाही खेला है, तबाही साफ तबाही लगा। का मतलब क्या नरेंद्र बंदा है। मोदी जैसे बड़े स्टेडियम पर और तबाही कर पाकिस्तानी रहे मीडिया हैरान परेशान हैं, हो हम गई है कि कैसे भाई इनको यार, या खेलेंगे, ये इसको हमारे बॉलर कैसे आउट और आप करेंगे। पाकिस्तानी, अगर जो ओरिजिनल क्रिकेटर, जो मतलब क्रिकेट लवर है, हाँ, आप उनसे पूछ रहे हो तो वो यही कहेंगे कि यार विराट कोहली कम थे जो शुभमन गिल आ गए। देखते हैं कौन करते हैं। नंबर वन पे इतनी पाकिस्तान की पॉलिटिकल कंडीशन खराब है, फिर भी शुभमन गिल ज्वाइन कर रहे हैं। नंबर छा वन, गया भाई, हाँ कमाल है भारत भाई। का आप ट्रेंड प्लेऑफ्स पाकिस्तान में, में, इतने बड़े मैच में आप जो वो रन्स कर गया, जिस शुभमन गिल अंदाज से उसने रन्स पाकिस्तान किए में हैं, का रन्स ट्रेंड करना तो एक भाई। अलग बात है, लेकिन जिस अंदाज से उसने रन्स किए भाई, उसने तो पूरा सूद के रख दिया मुंबई इंडियंस की बॉलिंग को। 129 रन, यानी रन कि अगर भाई 233 में से 129 एक ही आदमी का है, या तो आपको कोई 120 की बारी गिल ने, खेलनी असल में एक थी। दो गिल ने हरा दिया मुंबई इंडिया को, हराया ने गिल ने मुंबई को, गुजरात भी नहीं हराया, गिल गिल ने ने हरा हराया। दिया। तो घंटे का फैंस को ये मैं बता सही रहा बोल हूँ, रहे बात है, गिल आपका बोल रहे। घंटा कोई किंग कुंग नहीं है, एक किंग है विराट कोहली। और अगर इस एरा में अगर आप बात करें ना, जो नेक्स्ट सुपरस्टार आ रहा है उसका नाम है शुभमन गिल। ये प्लास्टर किंग और ये फजूल किस्म के किंग कुंग नहीं चाहिए हमें, ये हमें रीजनल किंग चाहिए। विराट कोहली से भी आगे की चीज है, मतलब इंडिया में एक दूसरा विराट कोहली जो है वो आप सेंचुरी पे सेंचुरी ये कर क्या रहा है, खाता क्या है सुमन गिल बताओ हमें भी, क्या खाते हो? मैं एक बड़ी खबर दे दूं, जो डिजिटली व्यूअरशिप है उसका एक रिकॉर्ड भी टूट गया। जब शुमन गिल जो अपनी बैटिंग कर रहे थे तो जो हाईएस्ट व्यूअरशिप थी 2.5 करोड़ थी, वही उसको दोबारा से उसने टच कर दिया। क्रिस गेल अपना रिकॉर्ड बचाने के चक्करों में थे आज 129 रन बनाए और 211 के स्ट्राइक रेट से एक ही आदमी 129 रन बना गया। तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो देख के एक मरतबा ना होता है कि वर्ल्ड कप जो है ना वो इस मरतबा मतलब ये लोग लेके जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जिस तरीके से कल शुभमन गिल ने 129 रन ठोके हैं और जिस तरीके से उन्होंने कल एमआई के बॉलर को मारा है, उसके बाद तो पूरी सोशल मीडिया में शुभमन गिल होता रहा और मतलब मीम्स ही मीम्स। और उसके बाद जो इंस्टाग्राम में हो गया, ट्विटर में हो गया या फेसबुक में हो गया, चारों तरफ शुभमन गिल देखने को मिला। और भारत में तो ये देखने को मिला ही, लेकिन पाकिस्तान में भी ये शुभमन गिल नंबर वन पर ट्रेंडिंग है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान की हालात अब कैसा है, लेकिन उस पॉलिटिकल हालात के बाद भी शुभमन गिल नंबर वन पर ट्रेंड पर रहना, ये मतलब कोई छोटी बात नहीं है। और शुभमन गिल का फैन फॉलोइंग पाकिस्तान में बढ़ चुका है, जिस तरह का मतलब विराट कोहली के फैन फॉलोइंग था और सूर्य कुमार यादव का था, उसके बाद सुमन गिल ने भी अब पाकिस्तान में अपना जो फैन बेस वो जमा दिए हैं। और जिस तरीके से सुमन गिल ने कल बल्लेबाजी की है, दो जो 129 रन 10 छक्के 7 चौके के साथ 215 के स्ट्राइक रेट के साथ, ऐसा उम्मीद नहीं लगाया जा रहा था कि सुमन गिल भी इस तरीके के स्ट्राइक रेट के साथ खेलेंगे और इस ताबड़तोड़ छक्के पे छक्के लगा जाएंगे। 10 छक्के मतलब सुमन गिल से कोई यकीन भी कर नहीं रहा होगा, लेकिन पाकिस्तान में ट्रेंड होगा ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए चलिए वीडियो में देखते हैं, मजे लेते हैं। मैं मिलता हूं वीडियो के एंड पर। रोहित शर्मा को, मार्क बाउचर को, मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट को कि भाई इस बच्चे से बच के रहना जिसका नाम शुभमन गिल है। यार क्या इनिंग्स खेल गया ये बच्चा आज, कसम खुदा की मैं कहता हूँ, 10-23 बड़ा टैलेंट यार। मतलब प्लेऑफ्स में इतने बड़े मैच में आप जो वो रन्स कर गया, जिस अंदाज से उसने रन्स किए, रन्स करना एक अलग बात है, भाई उसने तो पूरा सूट कर दिया मुंबई इंडियंस की बॉलिंग। लेकिन यार शुभमन गिल, व्हाट मैं कहता हूँ कि यार ऐसी इनिंग्स आपको बहुत कम देखने मिलती है। 75,000 क्राउड अहमदाबाद स्टेडियम पे, कितने करोड़ लोग देख रहे हैं मतलब टीवी पे, और उस इस प्रेशर में मतलब उस बंदे ने जो है इतने रन्स किए, कमाल है यार। मैं कहता हूँ कि बहुत ही जबरदस्त इनिंग्स, एंड सिंगल हैंडेड ही जस्ट टुक अ पार्ट, ही टॉर इन टू द मुंबई इंडियंस बॉलिंग। मैं एक यूट्यूब पुरानी की वीडियो देख रहा था, जब इंडस ट्रीट खेल रहा था और उसकी तस्वीरें भी हैं, कुछ आप देखें वो तस्वीरें भी। इस बंदे ने अंडर 16 लेवल पे यार मतलब ट्रिपल हंड्रेड्स और 400s किए हैं, तो मतलब आप सोचेंगे इसका अंदर कितना। मैं इसका इंटरव्यू सुन रहा था उस पुरानी वीडियो में, मोहाली से जब भी खेल रहा था, तो इसने मतलब हिज माइंड, हिज क्लैरिटी वाज सो, जस्ट केम अक्रॉस सो स्ट्रांगली कि उसने कहा जी अब मैं अंडर 19 खेलना चाहता हूँ, अंडर 19 फिर मैं इंडिया से खेलना चाहता हूँ, फिर अंडर 19 अच्छा करके फिर मैं इंटरनेशनल लेवल डोमेस्टिक पर आना चाहता हूँ, फिर मैं इंटरनेशनल पर आना चाहता हूँ। यानी कि इतनी क्लैरिटी बच्चे मतलब 49 बॉल्स पे 100, 10 छक्के यार प्लेऑफ्स में 10 छक्के भाई मेरे, यंगेस्ट स्कोर है मतलब 100 इन प्लेऑफ्स, एंड ओनली द सेकंड बैट्समैन आफ्टर कोहली टू मतलब गेट 800। बात ये है कि बैटिंग दे दी आपने, फिर शुभमन गिल जिस तरह की पारी खेल गए, देखें 100 बनते हैं अब T20 में, और अभी तो बहुत रोजी बने IPL में, दो बार विराट ने, दो तीन बार गिल ने, बनी रहे 5-6, फिर 2-1 सूर्या का है, कैमरन ग्रीन का है, 7-8 तो आपने अभी 15 दिन के अंदर देख लिए। पिछले 6 साल में नेपाल में इतने 100 नहीं बने, 100 भी कोशिशें नहीं की गई होंगी गिल की जानिब से। 129 रन, यानी कि अगर 233 में से 129 एक ही आदमी का है,
या तो आपको कोई 120 की बारी खेलनी है। असल में एक दो गिल ने हरा दिया, मुंबई को हरा है गिल ने, मुंबई को गुजरात भी नहीं हरा है, गिल ने हरा है, गिल ने हरा दिया, वरना ये लोग भी बड़े अफेयर था ये। और गिल ने मुंबई पहले बैटिंग करती भैया तो मुंबई भी 220 से कम नहीं करती, पूरा कर दिया। गिल ने भी आज, गिल ने भी कई जमाने बंद कर दिए, मेरी भी खास तौर पे मुझे लग रहा था कि ये नहीं चलेगा, पहले ये चलता है वो चेन्नई की पिच लगती इस तरह से नहीं चलेगा जिस तरह से चला है, 10 छक्के 8 चौके, मतलब मैं 60 बॉलों पे 100 से कभी भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन 55 बॉलों पे। लेकिन ये है कि भैया उसने तो क्रिस गेल अपना रिकॉर्ड बचाने के चक्करों में 129 और 211 के स्ट्राइक रेट से एक ही आदमी 129 रन बना गया, 10 ओवर में 129 बना गया तो बाकी 10 ओवर में क्या बचा, 105 रन 10 ओवर के करीब ही बनाए ना उसने, 64 बॉले खेली है, नहीं 64 भी नहीं खेली है, 60-62 बॉले खेली है, कितने 211 का स्ट्राइक रेट है उसका, 210 पॉइंट कुछ का, तो मतलब उसने 62-63, तो आप ये समझो कि बाकी 57 गेंदों पे सिर्फ 104 रन बने, अगर ये 57 गेंदों पे 104 रन मुंबई की दो तीन बल्लेबाजों को जमा करके दे दो वो भी बना देंगे, वो भी बना देंगे, इसका मतलब गिल के रन से आप नहीं खेल सके। लेकिन क्या लाजवाब, क्या सुपर लाजवाब, सुपर डुपर लाजवाब, कमाल धमाल सुपर धमाल बैटिंग देखने को मिली है आज शुभमन गिल की तरफ से। 100 प्लस की रन की 129 रन की पारी सिर्फ 60 गेंदों पे 215 के स्ट्राइक रेट से, अगर आप 129 वहां बना रहे हो पूरी गुजरात की जिम्मेदारी अपने कांधों पर लेंगे आपको। यार शुभमन गिल से वर्ल्ड कप में थोड़ा डर लग रहा है, एशिया कप और वर्ल्ड कप में डर लग रहा है, नंबर वन पे इतनी पाकिस्तान की पॉलिटिकल कंडीशन खराब है फिर भी शुभमन गिल रैंक कर रहा है, छा गया भाई, कमाल है भाई। यार एक बड़ी खबर दे दूं, जो डिजिटली व्यूअरशिप है उसका एक रिकॉर्ड भी टूट गया, जब शुभमन गिल जो अपनी बैटिंग कर रहे थे तो जो हाईएस्ट व्यूअरशिप थी 2.5 करोड़ थी वही उसको दोबारा से उसने टच कर लिया, यानी कि शुभमन गिल के छक्के चल रहे थे तो पूरा इंडिया ने अपना टीवी ऑन, सॉरी अपने मोबाइल्स ऑन किए थे और जियो की जो हाईएस्ट रेटिंग थी जियो सिनेमा की वो 2.5 करोड़ को टच किया, 2.5 करोड़ को टच किया। मैं तो बोलूंगा जी कि जो हम कंपैरिजन करते हैं कि शुभमन गिल को उससे मिला दो, शुभमन गिल को उससे मिला दो, उससे मिला दो, इससे मिला दो, भाई शुभमन गिल ने लास्ट 4 से 5 आईपीएल खेले हैं और जिस तरह से 3 सेंचुरियां मारी हैं, मुझे नहीं लगता इस टाइम जो सीम पीक चल रही है, जो फॉर्म चल रही है, नो वन इज इवन नियर टू शुभमन गिल। पिछली 4 इनिंग्स में अगले के 3 शो है और आप उसको ग्रेस में ले जाओ, विराट कोहली जब भी शुभमन गिल रन करता है विराट कोहली ने स्टेटस लगाना होता है, स्टोरी लगानी होती है, आज फिर विराट कोहली ने आई तो किया, राहुल ने भी भाई स्टोरी लगाई है शुभमन की, आज जो है विराट कोहली ने भी स्टोरी लगाई है शुभमन गिल की, आईपीएल में 851 रन है उसके, चौथा प्लेयर बना है विराट कोहली जॉश बटलर डेविड वार्नर के बाद जिसने एक आईपीएल के सीजन में 800 से ज्यादा रन बनाए, अभी फाइनल पड़ा हुआ है, सबसे ज्यादा रन करने वाला प्लेयर बन जाए प्लेयर है यार, नेक्स्ट सुपरस्टार मैं उसे बोलूंगा शुभमन गिल, वो कहते ना कि रोहित शर्मा तेज खेलता था, विराट कोहली क्लास वाला प्लेयर था, दोनों का मिक्स करे ना तो शुभमन गिल बनता है। तो घंटे का फैंस को ये मैं बता दूं, आपका घंटा कोई किंग कुंग नहीं है, एक किंग है विराट कोहली, और अगर इस इरा में अगर आप बात करें ना जो नेक्स्ट सुपरस्टार आ रहा है उसका नाम है शुभमन गिल। ये यार वीडियो खत्म, यार कोई शक नहीं कल जो तबाही उसने की है ना प्लेयर ने, मैं कहता हूँ आज की एरा में ऐसा कोई प्लेयर नहीं है, सही बात है। आज के न्यू जनरेशन जो प्लेयर्स है ना उनमें मैं कहता हूँ कोई एक ऐसा प्लेयर नहीं है जो शुभमन गिल के लेवल का, इसमें कोई डाउट नहीं है। विराट कोहली एक बड़ा खिलाड़ी है, वो किंग है, वो तो भाई यार वो ऐसा प्लेयर है, अगर उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन की बात, उसके बाद विराट कोहली सर के बाद अगर कोई, मैं कहता हूँ विराट कोहली सर के भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है वो शुभमन गिल, सही बात है, रिकॉर्ड तोड़ती है, आप मानो या ना मानो अगर विराट कोहली सर के जितने भी जो तेज़तरीन रिकॉर्ड है जो जितने भी है अगर वो कुछ तोड़ सकता है वो शुभमन गिल, वो ऐसा प्लेयर है, कल उसने दिखाया है कि भाई मैं ऐसा खेलूंगा कि तू याद रखोगे, और मर्जी की बात में हर फॉर्मेट में किंग बना हुआ है, हर फॉर्मेट इधर इधर हमारे पता ही क्या करते हैं, जब सेंचुरी के करीब आते हैं सिंगल डबल ये वो सेंचुरी के करीब आए और तेज हो गया, वो और तेज हो गया, नहीं करते सेंचुरी नहीं, वो इतना तेज खेला मैं यार सच में, सही बात, मैं सच में जब उनको देख रहा था ना मैं कह रहा था कि यार आप बिलीव नहीं करोगे, मैं यही कह रहा था कि ये वर्ल्ड कप में ये दो प्लेयर क्या पूरी टीम खा जाएगी, सब पूरी टीम ये खा जाएंगे, हकीकत में आपको बता रहा हूँ ये खा जाएंगे दूसरी टीमों को, जिस तरह अगर इस तरह के प्लेयर हुए ना ये खा जाएंगे दूसरे बॉलर्स को भी और टीम को भी सारे। आपका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा तो यार।